संपूर्ण देश में चैत्र नवरात्र का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। आज चैत्र नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर घर घर में कन्या पूजन किया जाएगा। आज दुर्गाष्टमी है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ महागौरी सभी संकटों को दूर करने वाली देवी है। देवी महागौरी का वाहन बैल है। 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी का अस्त्र त्रिशूल है। एक भुजा में डमरू धारण करती है माँ, तो वही बाकी 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती है। वो अत्यंत ही गौर वर्ण की है और सफेद वस्त्र एवं आभूषण धारण करती है। तो चलिए, कितना उल्लास है इस बार नवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर के। भक्त और श्रद्धालु मंदिर में किस अंदाज में आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, वही बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजीव, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए, और आपको भी नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है जोधपुर में? देखिए, निश्चित रूप से आयुषी, आज हर कोई नवरात्रि की शुभकामना एक दूसरे को दे रहा है। आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी पे सबसे पहले करोड़ दर्शकों को हम दर्शन कराते हैं माँ चामुंडा के। आमतौर पे आज का जो दिन होता है माँ गौरी का होता है। माँ गौरी 8वां स्वरूप जो है वो कहलाता है। जोधपुर में जो किला है, माँ चामुंडा की जो माँ प्रतिमा स्थापित है, पूरे विश्व के अंदर उस प्रतिमा का अपना जो प्रचार है। लेकिन पुलिस लाइन में जो ये आप दर्शन कर पा रहे हैं, तमाम जो करोड़ दर्शक दर्शन कर पा रहे हैं, इनका भी अपना एक अलग प्रताप है। यहाँ मनोकामनाएं मांगने वालों की उस वक्त पूरी होती है जब नियमित रूप से देवी की यहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं। एक महिला भी हमारे साथ जुड़ रही है, शुरू से पूजा करने के लिए पहुंचे, उनसे भी जरा बात कर रहे थे किस तरीके से आपने नवरात्र मनाया है और आज अष्टमी है, कैसे अष्टमी का क्या प्रावधान रहता है? अष्टमी के दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो देख सकते हैं कि कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और देखिए कि जिस तरीके से माता रानी के जो आज के स्वरूप की बात करें, घर घर में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, 12:30-1 बजे तक हवन का दौर चलेगा। उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, श्रद्धा अनुसार उनको तोहफे भी दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आस्था का पर्व है, आस्था का त्यौहार है। कल रामनवमी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने उस हिसाब से भी माकूल बंदोबस्त किए हैं। जोधपुर के जो कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई हैं, कानून और शांति व्यवस्था के हिसाब से तमाम व्यवस्थाओं को जांचा है। IG पी राम जी हैं और कमिश्नर जो जोधपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। तो कुल मिलाकर के आज पूजा अर्चना का दौर और दोपहर को कन्याओं को भोजन का दौर। कुछ लोग कल भी कन्याओं को भोजन कराते हैं और कल भी उनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन ये कहा जा सकता है कि नवरात्रा का जो पर्व है वो बड़े ही आस्था और धूमधाम से बिल्कुल राजीव आस्था के साथ पूरा पर्व मनाया जा रहा है। और दुर्गाष्टमी का दिन आज है, तो ऐसे में लोग मंदिर भी पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, तो वही घर घर में कन्या पूजन भी आज किया जाएगा और कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी। अब सहयोगी भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, आपको भी महाअष्टमी की हार्दिक बधाई, और इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद है, वहां का क्या महत्व है जरा बताइए। चलिए, भंवर का रुख करेंगे एक बार फिर से। राजीव, देखिए, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां से भी भव्यता अपने आप में प्रकट होती है, क्योंकि जब हम माता के दर तक पहुंचते हैं अब तो अपने आप में एक उनके दिव्य स्वरूप को पाते हैं और वही भव्यता महसूस भी करते हैं। जिस तरीके से लगातार जो लोग आस्था श्रद्धा के चलते व्रत करते हैं, कोई फलाहार पे होता है, कोई एक वक्त भोजन करता है, कोई सिर्फ दूध और चाय पे ही होता है, लेकिन आप देखिए कि ये भव्य तस्वीर की, भवानी सिंह आपको तस्वीर की भव्यता दिखा रहे हैं किस तरीके से माता रानी का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दया करुणा की ओर की, भाई देखिए आपको कैसे किस तरीके से इस जीवन को जीना। और हमेशा चाहे जितने भी स्वरूप की हमने उल्लेख किया इस दौरान,
उस उल्लेख से ये तो जाहिर होता है कि माता रानी कभी किसी का नुकसान नहीं करती। नियमित रूप से जब यहाँ पर पूजा अर्चना का जब दौर चलता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है आस्था और श्रद्धा से टिके रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ में एक दो और जो श्रद्धालु जो यहाँ आए हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कर रहे थे। आज अष्टमी है, किस तरीके से कहते कन्या पूजन भी होता है, कन्याओं की पूजा की उनका तोहफे भी दिए जाते हैं और आज अष्टमी में घर घर हवन की होता है। आज बड़ा ही अच्छा त्यौहार है, अष्टमी है, हम यहाँ खुद भी माता देवी के दर्शन करना है और यह पुलिस लाइन में बहुत ही अच्छा यहाँ होम वगैरह होता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है और माता देवी के दर्शन करने खूब श्रद्धालु आते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के आने का दौर जारी है। एक और श्रद्धालु जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब सहयोगी भंवर का एक बार रुख कर लेते हैं। भंवर, आज के दिन के महत्व के बारे में भी जरा बताइए और कोटा में किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ के आठवें स्वरूप के, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी मैं शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ कुछ देर पहले ही नवरात्रि की खास आरती, बल्कि कह सकते हैं कि महाआरती संपन्न की गई और इसके बाद आप देखिए भक्तगण यहाँ पर चरणामृत ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने माता जी के जयकारे लगाए हैं और आप देखिए किस तरह से नवरात्रा के मौके पर खास श्रृंगार यहाँ पर माँ भगवती का किया गया। मैं तीन स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बीच में जो माँ दुर्गा का स्वरूप है उसके आप दर्शन कीजिए, श्रृंगार खास यहाँ पर नवरात्रि के मौके पर किया गया है। और माँ दुर्गा के बगल में आप देखेंगे कि माँ सरस्वती विराजमान है और आप देखिए वीणा हाथ में लिए हुए माँ सरस्वती माता का भी नवरात्रि के मौके पर खास श्रृंगार किया गया है। और दुर्गा माता के इस तरफ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो माँ शीतला विराजमान है, गर्मी का मौसम है, माँ शीतला शीतलता प्रदान करती है। और आप देखिए ये आरती है जो कि कुछ देर पहले ही आरती यहाँ पर संपन्न की गई है और इसके बाद आप देखिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पवित्र ज्योत जो कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी एकम के दिन जलाई गई थी लगातार यहाँ पर प्रज्वलित है। और आप ये देखिए पवित्र ज्वारे, गेहूं जिन्हें ज्वारे कहा जाता है, ये पहले दिन बोए जाते हैं, बाद में इनका नदी में प्रवाह होता है। और देखिए यहाँ पर जो माँ के श्रृंगार के सारी जो सौंदर्य प्रसादन की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो चूड़ा हो, टीकी हो, सिंदूर हो, वो सब यहाँ पर रखा गया है। पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, करीब करीब नवरात्रियाँ मुकम्मल होने जा रहे हैं, आज माँ के कौन से स्वरूप की किस तरह से खास पूजा हुई? चैत्र मास के ये 2079 के अपने नए संवत्सर के नवरात्रि चैत्र मास में जो स्टार्ट होते हैं वो नवरात्रे हैं और इसमें यहाँ पर हमने सबसे पहले गढ़ी स्थापना की है, उसके बाद से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है काफ़ी अच्छी। और क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में नवरात्रि बिल्कुल बंद थे, मंदिर सब बंद थे, तो फर्स्ट में तो बढ़िया अच्छा रहा। और फर्स्ट दिन यहाँ पर गढ़ी स्थापना हुई, दूसरे दिन माता की चौकी का आयोजन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर माता का खजाना बंटता है सप्तमी को, तो कल माता का खजाना रहा और आज कन्या पूजन होगा। इसमें कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को देखिए आज का जो दिन होता है वो खास कन्या पूजन के लिए होता है। श्रद्धालुओं से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ, नवरात्रि करीब करीब पूरी हो गई है तो कैसे निकले ये 7-8 दिन? बहुत बढ़िया निकले, माता के कीर्तन हुए 12 बजे, सुबह आरती हुई, शाम को आरती हुई, बड़ा आनंद आया मंदिर में। आज कन्या पूजन है, सब उत्साह से सब काम हो रहे हैं मंदिर में। कोरोना काल में कई बार आप कि भगवान से माता जी से दूरियां बनी रही, बहुत सारे प्रतिबंध थे, अब कोरोना का असर खत्म हुआ है तो खुलकर पूजा कर पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? खुल के पूजा कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी रौनक लग रही है मंदिरों में, सब बढ़िया काम हो रहे हैं। अब तो माता रानी ने कृपा करी है बहुत ज़्यादा। इस बार के नवरात्रि माता जी कैसे खास? बहुत अच्छे रहे, बहुत कीर्तन हुए, 12 बजे से 1 बजे से 4 बजे तक कीर्तन होता है, सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है आराम। आपने व्रत उपवास रखे होंगे? व्रत उपवास रखे हैं 9 दिन के, आज कन्या भोजन होगा, कल नवरात्र पूरे हो जाएंगे, बहुत अच्छे। देखिए संसार में जितनी भी शक्तियाँ विद्यमान है उनकी पूजा के आराधना के सबसे बड़े 9 दिन होते हैं नवरात्रा के 9 दिन, आज खास कन्या पूजन का दिन है क्योंकि माँ भगवती का ये 9 दिन इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि माँ के जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और हर एक स्वरूप अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वजह कि सभी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इन 9 दिनों में माता की पूजा